हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान उस्मान ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली मार्केट। हम जाएंगे सबसे पहले दिल्ली की, तो सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली की लाजपत नगर में जो मार्केट है, लाजपत मार्केट। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कपड़े वगैरह देखेंगे कैसा वहाँ का कलेक्शन है। तो मैंने सुना वहाँ पर कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, तो मैं काफ़ी टाइम के बाद वहाँ जा रही हूँ। तो मेरे साथ में मम्मी है और सिस्टर हैं, तो हम तीनों लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी ऑटो में बैठे हैं, घर से निकल के ऑटो में बैठ गए हैं और हम लोग जाएंगे मेट्रो से। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर मेट्रो पकड़ के फिर हम दिल्ली जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग, मैं बता दूँ, यहाँ पे हम नोएडा में हैं, नोएडा में रहती हैं मम्मी पापा। तो उनके मैके में आई हुई उस टाइम, तो मैंने पहले ऑटो की पकड़ा, ऑटो करके फिर हम लोग यहाँ मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। यह है बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन, ये सेक्टर 18 में है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग ऑटो से आए हैं और यहाँ से अब मेट्रो पकड़ के हम दिल्ली जाएंगे सीधे। तो ये है बोटेनिकल गार्डन सेक्टर 18 में, नोएडा सेक्टर 18। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं मेट्रो के अंदर। तो अंदर ना कैमरा अलाउ नहीं है वीडियो वगैरह बना, तो यहाँ से मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। तो यहाँ से अंदर वीडियो बनाना या फ़ोटो वगैरह क्लिक करना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम मेट्रो से चलते हैं सीधे लाजपत नगर मार्केट, फिर वहां से फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे हम लोग मेट्रो से उतर गए हैं और यह है लाजपत नगर, यहीं पे मार्केट है थोड़ा आगे। तो बस हम लोग मार्केट में ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना मेरा कुछ खाने पीने का मन कर रहा था, हम लोग तो चाय नाश्ता करके आए थे घर से, सुबह सुबह का टाइम था। तो मेरे यहाँ पे ना चाय पीने का कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही कि सबसे पहले हम चाय वगैरह पी लेते हैं कहीं पर, हमारी स्टॉल वगैरह पर चाय पीने के बाद फिर हम लोग मार्केट में जाएँगे। तो यहाँ पर एक जगह स्टॉल लग गया था चाय का, तो वहीं हम जा रहे हैं चाय पी के फिर हम लोग मार्केट में जाएँगे। वहाँ पर देखेंगे कैसा कलेक्शन है, क्योंकि विंटर कलेक्शन यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा चाय नाश्ता किया है और चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे ये नमकीन ली थी हमने और चाय भी, मैंने बच्चों को लेके नहीं आई हूँ क्योंकि सर्दी काफ़ी थी, बिल्कुल भी आज धूप नहीं निकली है, बहुत ठंडा मौसम है, कोहरा ऐसा पड़ रहा है, तो इनके बच्चे जाना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को दूसरे सिस्टर के पास छोड़ के आई हूँ। और बस मैं, मम्मी और एक सिस्टर हम लोग आए हैं। ये हम लोग मार्केट में अंदर एंट्री कर दी हम लोगों ने। ये है लाजपत मार्केट, ये यहाँ पे कम सामान बहुत ही सस्ता मिला था। ये जो पर्स थे ना, ये सिर्फ यहाँ पे ये पर्स सिर्फ 50-50 रुपए के मिल रहे थे। ये देखिए, ये सब पर्स हैं, ये हैं, ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे पर्स थे सिर्फ 50-50 रुपए में। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, से सस्ता यहाँ पे है। तो मेरे यहाँ पे सामान बहुत समझ में आया। ये देखिए, ये है चूड़ी की, जिसमें चूड़ियाँ वगैरह रखी जाती हैं। और ये देखिए, बहुत सामान अच्छा था, इतना खूबसूरत सामान था यहाँ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इस मार्केट में बहुत सालों के बाद आई हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे ये है कॉस्मेटिक का सामान है सारा, इसमें लिपस्टिक, नेल पेंट, सब 100-100 रुपए का सामान है, सब चीज़ जो भी लो इसमें बहुत सारा सामान है। वैसे अगर आप शॉप से लेते तो काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे ये स्वेटर है, गर्म टॉप है, सिर्फ 100-100 रुपए के हैं सारे। और फिर हम आगे बढ़े, हमने ईयर रिंग देखी, ये भी 100-100 रुपए की ईयर रिंग है। और ये देखिए, ये 100-100 रुपए के टॉप लगे हैं, ये डिज़ाइनर ड्रेसेस थे कुछ यहाँ पे शॉप पे। और मतलब मेरे समझ में बहुत अच्छा सामान लगा मुझे यहाँ पे, मैं सोचा था कि अगर कुछ कपड़े मुझे कुछ सही लगे तो मैं यहाँ से लूँगी।
तो फिलहाल मैं देख रही हूँ जो कपड़े सही लगेंगे तो मैं थोड़े से ले लूँगी यहाँ से कपड़े। और जीन्स से भी थी, लेडीज जीन्स से, जेंट्स जीन्स से, और ये देखिए डिज़ाइनर सूट लगे हैं। तो ये यहाँ का सारा कलेक्शंस है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे लगे सारे कपड़े। यहाँ पे देखिए ये गरम कपड़े हैं, शॉल्स हैं, गरम सूट हैं पूरे, रेडीमेड भी हैं और बिना सिले वाले भी हैं कपड़े भी है। देखिए यहाँ पे ये बालों के रबड़ बैंड है, क्लेचर हैं। तो ये सारी शॉप्स में जाके हम लोग पता करें, मुझे कुछ कपड़े भी खरीद रहे हैं तो मैंने कहा चलो यहाँ का थोड़ा सा एक ब्लॉग बना लूँगी मैं। और यहाँ पे इयरिंग वगैरह, इयरिंग लगे हैं, बहुत अच्छे इयरिंग है, सब 50-50 रुपये में सारे हैं। ये देखिए ये सूट है, गर्म सूट लगे हुए हैं, गर्मी वाले कपड़े भी यहाँ मिल रहे थे लेकिन गर्मी वाले कपड़े लोग कम खरीद रहे थे, जितने कि गर्म वैसे वूलन कपड़े ज़्यादा खरीद रहे थे यहाँ पे। और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वेलवेट के सूट, तो वो भी यहाँ पे बहुत बिक रहे हैं वेलवेट, लेकिन वेलवेट थोड़ी यहाँ पे महंगी है। ये देखिए चप्पल हैं, बच्चों के जूते हैं, चप्पलें हैं, और ये देखिए ये सब लगे हैं। बराबर में शॉल्स की शॉप है, शॉल वगैरह। ये जूते हमने पूछे थे 50 रुपये के जूते हैं ये बच्चों के, सारे 50 रुपीज़ में ही हैं, चाहे जो सा भी आप जोड़ा ले लें दो। ये इयरिंग है, ये भी सारे 100-100 रुपये की इयरिंग है और काफ़ी अच्छे इयरिंग है 100-100 रुपये के, वरना अगर आप कहीं शॉप से लेंगे तो काफ़ी महंगी मिलती है ये। ये देखिए बहुत अच्छे इयरिंग थे, मैंने तो सब देखे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में थे, सारे कलरफुल भी थे और वैसे डिज़ाइन भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो ये इयरिंग सारे 100 रुपये में है, एक जोड़ी आप ले सकते हैं। देखिए सेल लगी है, फिक्स प्राइस है। ये 50 रुपये में है ये वाले इयरिंग, ये देखिए ये सब 50 रुपीज़ के अंदर अंडर है सारे। देखिए बहुत बढ़िया इयरिंग है, ये भी सेल लगी है। और इधर मैंने देखे थे ये हाथ की ब्रेसलेट है, ये भी सारे 50 रुपीज़ में ही है और बहुत ही बढ़िया है सब। देखिए गले के नेकलेस हैं, गले में तो जो गले के नेकलेस हैं, और ये जो है हाथ के, ये भी सारे 50 रुपीज़ में ही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मोतियों के हार हैं गले के, और मोतियों वाले नेकलेस हैं और ब्रेसलेट हैं मोतियों के, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये है नेल पेंट, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर ये लगाते नहीं हैं तो मैंने नहीं लिया, हम नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं बता दूँ आपका इनको प्राइस, तो ये सिर्फ 50 रुपीज़ में है, आप कोई भी कलर के ले सकते हैं और सब अच्छे ब्रांड के थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए ये हैं सारी शॉप्स हैं, जैसे कि शॉल वगैरह हैं, स्टॉल हैं, सारे 50 रुपीज़ में स्टॉल मिलेगा आपको, अच्छा कोई सा भी स्टॉल नहीं, 50 रुपीज़ के अंदर ही मिलेगा। तो वो भी देखे थे हमने यहाँ पे गरम स्टॉल, ये सब डिज़ाइनर सूट हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सूट लग रहे हैं, ये शॉप में बिक रहे हैं, कितने अच्छे और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे प्राइस में, जैसे कि वेडिंग वगैरह वेडिंग सूट भी हैं, ये देखिए। और फिर हम थोड़े इसके आगे बढ़े तो यहाँ पे एक शॉप थी जिसमें पर्स वगैरह लगे हैं, पर्स हैं, चिमटी, क्लेचर और सब नई नई चीज़ें थी बच्चों के। यहाँ पे बॉक्स थे, ड्राम बॉक्स, तो ये भी बहुत अच्छे हैं, 100-100 रुपये के सारी चीज़ें बिक रही हैं। ये है वॉश बैग, इसे जो मेकअप वगैरह में यूज़ होता है वो है ये बैग, ये भी सब 100-100 रुपये का है, चाहे आप कोई भी बैग ले लें इसमें से। बहुत ही अच्छा सामान था, मुझे यह सामान बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छे प्राइस में था, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने जैकेट देखी है, पर्स देखे हैं, ये पर्स 100-100 रुपये की, ये जैकेटें भी सब 100-100 रुपये की हैं, जैन जैकेट भी 100 रुपये की हैं, और जो लेडीज़ गर्म टॉप है वो भी सब 100-100 रुपये के अंडर हैं। और 100-100 रुपये की जींसें भी यहाँ मिल रही हैं, ढेर में बिक रही हैं जींसें 100-100 रुपये की, चाहे आप कोई भी डिज़ाइन की ले लें। और ये देखिए नाइट सूट, ये भी, ये सब कुर्ते हैं गरम, ये भी 100 रुपये का कुर्ता था, मैंने इसका प्राइस पूछा है तो बहुत ही अच्छे रेट में यहाँ पे सामान बिक रहा है। ये नाइट सूट है, ये 200 रुपये का है नाइट सूट पूरा, 100 रुपये का टॉप है ऊपर का, नीचे का भी 100 रुपये का है, पूरा 200 रुपये का पूरा नाइट सूट है। और हम लोग इसकी ओर आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे भी कपड़े लगे हैं कुर्ते, ये भी सब 100-100 रुपये के हैं, ये सब डिज़ाइनर सूट लगे हैं, और ये भी सब ये 200 रुपये का नाइट सूट है, ये भी 100 रुपये का ऊपर का है, 100 रुपये का नीचे का है, 200 रुपये का पूरा नाइट सूट है ये भी।
और सारे कलर में भी है इसमें, क्रीम है, मैरून कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर, सारे कलर में है नाइट सूट। और ये कुर्ते लगे हैं, ये पूरी सूट है डिज़ाइनर, ये भी बहुत अच्छे प्राइस में है, 700-800 के अंडर सारे कप सूट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, बहुत ही अच्छे प्राइस में कपड़े बिक रहे हैं। थोड़ा और आगे गए थे हम तो यहाँ पे गरम टॉप वगैरह हैं, ये देखिए गरम लेडीज़ टॉप है, ये भी सब 100-100 रुपये के टॉप हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस में कपड़े मिल रहे हैं। ये 200 रुपये का टॉप है जो मैं ये दिखा रही हूँ पिंक कलर का, ये 200 रुपये का है, 200 रुपये सेल का लगी है ये, 200 रुपये का भी ये महंगा नहीं है, बहुत अच्छे रेट में है 200 रुपये का। अगर हम थोड़ा सा भाव ताव करेंगे तो ये और सस्ता पड़ जाएगा, 150 रुपये का दे देंगे, लेकिन 200 रुपये सेल लगी है ये। और आगे गए थे हम तो यहाँ पे भी और भी गरम टॉप लगे हैं, सब बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। तो ना यहाँ पे टॉप और जीन्स मैं भी देखती जा रही हूँ, मुझे भी लेने हैं, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से थोड़े से कपड़े लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में कपड़े मिल रहे हैं। जो देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी है, अब देखिए बंद गले का सूटर है, ये भी अंडर 100 रुपीज़ अंडर है, और बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहे हैं कपड़े यहाँ पे। तो बस मैं आगे देखती जा रही हूँ कि मार्केट भी काफ़ी बड़ी थी ये, क्योंकि पूरी मार्केट में हमें घूमने में लग गया था, करीब 2.5 घंटे में लग गए थे पूरी मार्केट में घूमने में, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। तो यहाँ पे ये देखिए स्वेटर, ये भी सब 100-100 रुपये में है, और ये क्या देखिए कितने अच्छे स्वेटर है, बहुत ही अच्छे रेट में यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं। ये देखिए 100-100 रुपये का स्वेटर है, जींस के ऊपर ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। बहुत बढ़िया रेट में मिल रहे हैं कपड़े। और हम और आगे जा रहे हैं तो आगे भी काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, तो ये देखिए ये फ्रॉक है, ये गर्मी वाले कपड़े हैं, ये भी 100-100 रुपये की सेल लगी है इनकी भी, जो गर्मियों में गर्मियों में कपड़े पहने जाते हैं ना वो हैं ये, अभी उन्होंने सेल लगा रखी है 100 रुपीज़ में, पर पीस 100 रुपीज़ है, चाहे आप फ्रॉक ले लें, चाहे आप प्लाजो ले लें, चाहे पैंट ले लें, सब 100-100 रुपये की सेल लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पूरे पूरे सूट है तो वो 200 रुपये की सेल लगी है, बहुत बढ़िया प्राइस में यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं। तो ये है मार्केट, यहाँ पे हर सामान मिलता है, चाहे आप कपड़ा गर्म ले लें, चाहे वूलन ले लें, चाहे आप गर्मी की कॉटन कपड़े ले लें, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, और अच्छे प्राइस में मिलता है, फिक्स प्राइस होता है, और बहुत अच्छे रेट में यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े थे तो यहाँ पर ईयरिंग वगैरह हम लोगों ने देखे थे। मैंने यहाँ से ना 2 जींसें भी ख़रीदी हैं और 2 टॉप ख़रीदे हैं। तो जींसें मैंने लिए हैं 100-100 रुपये की जींसें ली हैं 2, और 2 मैंने वूलन टॉप लिए हैं, वो भी वूलन टॉप जींसें मिली है 100-100 रुपये की, और वुलन टॉप मिले हैं हमें 200-200 रुपये के, तो क्या मैंने फुल साइज़ के लिए हैं, और बहुत अच्छे टॉप है वुलन में, तो बहुत अच्छा कपड़ा मुझे यहाँ का लगा, बहुत बढ़िया लगी यहाँ की सामान, और अच्छे प्राइस में मिल भी रहा है यहाँ पे। तो मैंने भी अपने लिए कपड़े यहाँ से ख़रीद लिए, और मैंने सोचा कि थोड़े से समर वाले जो कपड़े होते हैं कॉटन वगैरह की जो फ्रॉकें वगैरह होती हैं वो ले लूँ, फिर मैंने कहा चलो अभी से लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी टाइम है गर्मी आने में, तो मैंने वूलन कपड़े ही यहाँ से ख़रीदे हैं। और ये देखिए क्लेचर वगैरह बिक रहे हैं, ये सब बहुत सस्ते सामान मिल रहा है, सिर्फ 5-5 रुपये के क्लेचर हैं ये, और ब्रेसलेट हैं हाथ के, और बालों के रबड़ बैंड भी बिक रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस में, चिमटियाँ हैं बच्चों की बालों में लगाने वाली, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहा है। ये नए तरह के रबड़ बैंड भी जिसमें कि कपड़ा वगैरह लगा होता है, डिज़ाइन होता है जिनमें कपड़ों का,
वो भी है यहाँ पे, और काफ़ी सारा सामान यहाँ पे मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब नई नई चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिल रही थी, नए नए डिज़ाइन के कपड़े, नए नए डिज़ाइन के कॉस्मेटिक के सामान, सब नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के डिब्बे मिल रहे हैं 100-100 रुपये के अंडर। और ये देखिए यहाँ पे बेल का भी बहुत बड़ी मार्केट। तो ये मार्केट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रही है। अगर जैसे हम शॉप से ख़रीदते हैं तो वो चीज़ें हमें डबल रेट में मिलती है, काफ़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन अगर यहाँ से ख़रीदते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे रेट में मिल जा रही है। बेलें भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बेलें थी यहाँ पे। ये देखिए ये लटकन है जो सूटों में लगती हैं, लटकन लटकने हैं, ये भी बहुत अच्छे रेट में यहाँ बिक रही थी। अब ऐसे ये भी बहुत महंगी मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पे अच्छे प्राइस में बिक रहा था। उसके बाद हम चप्पलों की तरफ गए तो यहाँ पे गर्म चप्पलें बिक रही हैं, जैसे कि बच्चों की गर्म चप्पलें लगी हुई हैं। ये भी सब 100 रुपीज़ के अंडर हैं, सब 100-100 रुपये की चप्पलें बिक रही हैं ये भी। अब बहुत ही अच्छी होती हैं ये, बिना मोज़ों को भी, मोज़े के भी बिना पहन लेते हैं बच्चे, तो पैर एकदम गर्म रहता है इससे। अच्छी चप्पल है ये भी। और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह हैं, और ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ लग रही हैं, इसकी भी एक शॉप थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप, ये भी बहुत अच्छे सामान अच्छे रेट में सब सामान बिक रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे भी गरम टॉप लगे हैं, ये बहुत अच्छे डिज़ाइनर टॉप हैं। देखिए मैं अपने लिए टॉप यहाँ पे देख रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं। पूरी मार्केट घूमने के बाद जहाँ सबसे अच्छे कपड़े लगेंगे वहाँ से हम कपड़े ख़रीदेंगे, तो सबसे लास्ट मैंने अपने लिए कपड़े ख़रीदे थे बिल्कुल लास्ट में पूरी मार्केट देखने के बाद। तो ये देखिए टॉप कितने प्यारे लग रहे हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ देखनी होती है आपको कि कपड़ा, कपड़े का जो साइज़ होता है वो आपको ध्यान से लेना है, क्योंकि देखने में कपड़े लगते हैं कि काफ़ी बड़े होंगे लेकिन वो फिट नहीं होते हैं फिर, इसलिए उनकी फ़िटिंग और साइज़ आपको ध्यान से में रख के लेने हैं कपड़े, वरना फिर आपको पता नहीं, ये लोग एक्सचेंज भी, कुछ शॉप वाले एक्सचेंज भी कर लेते हैं, कुछ शॉप वाले एक्सचेंज नहीं करते हैं, इसलिए लेते टाइम भी ध्यान दें कि साइज़। तो यहाँ पे जेंट्स स्वाटर भी हैं बहुत बढ़िया, गर्म वुलन स्वाटर थे, और शर्ट भी थी, जो शर्ट भी बहुत वुलन थी, अंदर से गर्म कपड़ा उनके अंदर लगा हुआ था और ऊपर से काफ़ी अच्छी शर्टें थी वुलन। और बच्चों के भी कपड़े यहाँ पे मिल रहे हैं सब 50 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ के अंडर सारे कपड़े मिल रहे थे बच्चों के, छोटे बच्चों के वुलन कपड़े भी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं ये। हमने बच्चों के कपड़े भी देखे थे छोटे बच्चों के, तो ये जो सूट देख रहे हैं हम, ये 100 रुपीज़ में है और काफ़ी अच्छे सूट थे, ये सब 100 रुपीज़ में है, चाहे आप कोई सा भी इसमें कलर ले लें, और साइज़ भी इसमें छोटे बड़े सब मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे सूट थे इसमें, पिंक है, रेड है, सारे कपड़े हैं इसके अंदर। उसके बाद हम गए आगे तो बच्चों के चप्पलें यहाँ पे बिक रहे हैं, जूते बिक रहे हैं। और काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, हम लोगों ने देखे हैं बैग, तो ये बैग भी सारे 100-100 रुपये के बैग हैं, चाहे आप थोड़ा बड़ा या छोटा साइज ले सकते हैं इसमें। चिमटियाँ हैं और चूड़ी वगैरह हैं, रबड़ बैंड है, सारा सामान यहाँ पे कॉस्मेटिक का मिल रहा है। ये देखिए विव वगैरह भी हैं बच्चों के, तो काफ़ी बड़ी मार्केट थी और काफ़ी बढ़िया है, प्राइस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा कम भी कर लेते हैं अगर थोड़ा और कम करवाओ तो। ये सब सामान यहाँ का मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी बड़ी मार्केट है, पूरी मार्केट मैंने विज़िट करवाई है। और बता दूँ जो मैंने यहाँ से जींसें ख़रीदी वो बता रहे थे 250-250 रुपये की, लेकिन हमने 100-100 रुपये की जींसें यहाँ से ख़रीदी हैं, और टॉप हमने 200-200 रुपये में ख़रीदे हैं, वुलन टॉप है। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको भाव करना पड़ता है कपड़े का, तभी लोग और अच्छे रेट में देते हैं, वरना तो ये महंगा बताते हैं थोड़ा सा। तो ये थी यहाँ लाजपत नगर की मार्केट, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर पसंद आया हो ब्लॉग तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।